गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज से तुम लोगों को रिवीजन स्टार्ट करा ऐसे टू रिवीजन, ओके। फिफ्थ क्लास हिंदी, पहले आप अपना क्लास वर्क निकालो, आज का डेट डालो और ऐसे टू रिवीजन बोर्ड पे लगाओ। तुम लोगों को ऐसे टू रिवीजन देते मैं, रिवीजन अच्छे से पढ़ना, एग्जाम्स रहते बेटा, जैसे ऐसे वाले एग्जाम्स लिखे ना तुम लोग, वैसा ही ऐसे टू के भी एग्जाम्स देते। अगर जब तक स्कूल खुल गया तो स्कूल आके लिखते, नहीं तो ऑनलाइन में क्वेश्चन पेपर देते, हाफ एन आवर में लिख के जब एफ ए वन एफ ए टू कर देते ना, सेम वैसा ही एग्जाम लिख के आंसर शीट हमको भेजा देते। अब उसके लिए आपको ऐसे टू रिविजन देने में आप सब लोग अपना अपना क्लास वर्क निकालो, ऐसे टू रिविजन होकर हेडिंग लगाओ, डेट डालो। एंड आई एम टेलिंग यू, लीव ए टाइम करना, फिंगर गैप देना, नीटली लिखना, नीटली लिखना। मैं आप लोगों के बुक्स कलेक्शन करते, ऑल द रिवीजन कलेक्शन करते बिफोर एग्जाम, ओके। नाउ लिखो फर्स्ट बिट शब्दार्थ, फर्स्ट बिट लिखो शब्दार्थ, हमेशा, सदा, हमेशा, सदा, विश्व, विश्व, संसार, विश्व, संसार, स्थित, रहना, स्थित, रहना, निधि, निधि, खजाना, निधि, खजाना, निरंतर, निरंतर। लिखो फर्स्ट बिट शब्द लीव अलाइन करके नीटली लिखो, हमेशा, सदा, हमेशा, सदा, विश्व, संसार, विश्व, संसार, स्थित, रहना, स्थित, रहना, निधि, खजाना, निधि, खजाना, लगातार, निरंतर, लगातार, निरंतर। लीव लाइन करके नीटली लिखो, ऑल इज इक्वल टू शुड़का में वन लाइन। लिखे देखो, हमेशा, सदा, हा मातु ए की मात्रा, शा को आ की मात्रा, हमेशा, सदा, सा धातु आ की मात्रा, सदा, हमेशा, सदा, विश्व, वाकु छोटी की मात्रा, शा व विश्व, संसार, सा को अनुस्वर बिंदु, साकु अनुस्वर, साकु आपकी मात्रा, रा संसार, स्थित, धाकु सा की मात्रा, स्था, स्था को छोटी की मात्रा, स्थित,
अवस्था स्थित रहना, राधा नापा की मात्रा रहना, निधि नापु छोटी की मात्रा धातु छोटी की मात्रा निधि, खजाना का चापुआ की मात्रा नापुआ की मात्रा खजाना, लगातार ला लापुआ की मात्रा तापुआ की मात्रा रा लगातार, निरंतर नापु छोटी की मात्रा रापु अनुस्वर तारा निरंतर, लगातार निरंतर, देखो फिर से, हमेशा सदा, हमेशा सदा, विश्व संसार, विश्व संसार, स्थित रहना, निधि खजाना, निधि खजाना, लगातार निरंतर, लगातार निरंतर, हुआ बच्चों? मैं रख कर रहे सेकेंड बिट देते, अच्छा सेकेंड बिट, लिखो सेकेंड बिट, विलोम शब्द फर्स्ट बिट हुआ ना, फर्स्ट बिट एक पेज में लिखो, उसके बाद लिखो सेकेंड बिट, फर्स्ट बिट एक पेज में लीव अलाइन करके लिखे ना, नेक्स्ट सेकेंड बिट में विलोम शब्द लिखो, विलोम शब्द, सदा सदा, कभी कभी, सदा कभी कभी, मेहनती मेहनती, आलसी मेहनती आलसी, बेचना बेचना, खरीदना बेचना खरीदना, काला काला, सफेद सफेद, बड़ा बड़ा, छोटा छोटा, बड़ा छोटा, देखो विलोम शब्द, फाइव विलोम शब्द दिए बच्चों में, सदा कभी कभी, सदा कभी कभी, मेहनती आलसी मेहनती आलसी, बेचना खरीदना बेचना खरीदना, काला सफेद काला सफेद, बड़ा छोटा, हुआ? ये पांच शब्द विलोम शब्द भी नीटली लिख लो बच्चे, फाइव विलोम शब्द नीटली लिखना, फिंगर गैप देते हुए ऑल द इनटू एक लाइन में आना, तुम लोगों को फर्स्ट बिट हुआ सेकेंड बिट हुआ, तो आज तुम लोगों का होमवर्क फर्स्ट बिट सेकेंड बिट टू टाइम्स नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस करना, समझ गए? फिफ्थ क्लास आज का होमवर्क, फर्स्ट बिट में शब्द
ये सेकेंड बिट पांच बिलोंग्स है, ये टू बिट्स फर्स्ट बिट और सेकेंड बिट टू टाइम्स रफ्तार में लिखना, वन टाइम क्लास वर्क में नीटली लिख लो, फर्स्ट बिट वन पेज में लिखो, सेकेंड बिट वन पेज में लिखो, नी वे लाइन करना, फिंगर कैप देना इज इक्वल टू डालना, फिर फिंगर कैप देना, आंसर लिखना, ऑल द इंट्स एक ही लाइन में आना, शब्दार्थ है तो ऑल द इंट्स इक्वल टू एक ही लाइन में आना, फर्स्ट बिट एक पेज में लिखो, सेकेंड बिट एक पेज में लिखो, ये टू बिट्स क्लास वर्क में लिख देना, लिखने के बाद रफ बुक में टू बिट्स टू टू टाइम्स पढ़ते हुए रफ बुक में लिखना, ये तुम लोग का हिंदी रिविजन है, एग्जाम पे तुम लोगों को रिविजन अच्छे से प्रैक्टिस करो, ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी के बिट्स देते, थैंक यू।